बेटा ये हमारा सेकंड लेक्चर है बेसिक इंग्लिश कोर्स का, ठीक है। तो इसमें आज जो बोर्ड पे लिखे हुए सेंटेंसेस हैं इनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये देखेंगे। बड़ा इजी है, जो ट्रिक्स बताऊं उसका आप ध्यान रखिएगा। मैं आपकी क्या लगती हूं, बीच में क्या रखा है, क्या क्या की इंग्लिश क्या होती है बेटे, व्हाट, क्या को हम इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं बेटे। अब जब भी आपको सेंटेंस के बीच में डब्ल्यू एच वर्ड दिखे तो सबसे पहले ट्रांसलेशन के दौरान आप उसको बिगनिंग में लिखिए। तो यहां पे मैंने लिखा व्हाट। अब इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगती है बेटे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या मिलता है, नाउन या प्रोनाउन। तो मैं सब्जेक्ट है, मैं मीन्स आई। अब ये हूं क्या बोल रहा है, लगती हूं यानी रिलेशन के बाद बोल रहा है। इज एम आर में से एक लगाना है हमें यहां पे। तो आई का हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। अब यहां कुछ नहीं करना, आगे टू यू जोड़ना है, टू यू और एड कर दो आप यहां पे, क्या बन गया, व्हाट एम आई टू यू, मैं आपकी क्या लगती हूं। इजी है ना। नेक्स्ट देखते हैं आप बनाइए, मैं उसकी क्या लगती हूं किसी लड़के के लिए, वही सेम। क्या मीन्स व्हाट, मैं मीन्स आई, आई का हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, टू। अब यहां पे देखो ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, लड़का है ही हिज हिम, हिम जो है ऑब्जेक्टिव कैसे बेटे, तो यहां पे आएगा हिम, व्हाट एम आई टू हिम। नेक्स्ट देखिए बेटा, मैं उसकी क्या लगती हूं लड़की के लिए, मैं। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या की इंग्लिश बनाओ, व्हाट। इसके बाद आए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई, आई का हेल्पिंग वर्ब एम, व्हाट एम आई टू। अब ये लड़की है शी, हर, हर, हर इसका ऑब्जेक्टिव केस है तो हर आएगा यहां पे, व्हाट एम आई टू हर, मैं उसकी क्या लगती हूं, कोई लड़की है, मैं उनकी क्या लगती हूं, एक से ज्यादा इंसान है ना, तो मैं उनकी क्या लगती हूँ, दूर खड़े हैं, क्या लगती हूँ मैं उनकी। तो आप बताइए क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई, आई का हेल्पिंग वर्ब एम, टू। और देखो दे, देयर, देम, देम उसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो टी एच ई एम, व्हाट एम आई टू देम। ये ऑब्जेक्टिव केस आपको याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी, बिल्कुल सेंटेंस बन जाएगा। अब एक आप बनाइए, मैं उस लड़की की क्या लगती हूं, इसकी ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।